मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों की तैयारी की समीक्षा बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्ष की साजिश का पर्दाफाश करें। ये समाचार अब पूजा वर्मा से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा प्रारंभ से ही नर को नारायण और जनता को जनार्दन मानकर राष्ट्र सेवा के कार्य में समर्पित रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पिछले 6 साल में अनेक जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के अभूतपूर्व संकट के दौरान भी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में बेमिसाल काम हुआ है। कुछ लोगों को जिनका विकास से कभी कोई सरोकार ही नहीं रहा, उनको यह काम पच नहीं रहे। ऐसे लोग रोज साजिशें रच रहे हैं, इनसे सतर्क रहें, इनकी साजिशों को बेनकाब करें। स्वर्गीय चेतन चौहान ने विकास का जो सिलसिला शुरू किया था उसे जारी रखने के संकल्प के साथ हमें जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। मुख्यमंत्री रविवार को अपने आवास पर नौगांव सादात अमरोहा विधानसभा उपचुनाव के संबंध में भाजपा के बूथ मंडल और सेक्टर पदाधिकारियों से वर्चुअली मुखातिब थे। उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग तरह का होगा, बड़ी सभाएं नहीं होंगी, लिहाजा सारा फोकस 100% बूथों के गठन और 4-5 की टोलियां बनाकर घर घर गहन जनसंपर्क करने पर होना चाहिए। केंद्र और प्रदेश सरकार ने जनहित के जो कार्य किए हैं उन्हें जनता को बताना होगा। लोगों को यह भी बताएं कि हमने अब तक 3 लाख से अधिक युवाओं की सरकारी नौकरी का सपना साकार किया है, जबकि इतने ही और युवाओं को सरकारी नौकरी शीघ्र ही देने जा रहे हैं। 20 लाख से अधिक युवा रोजगार स्वरोजगार के लिए सरकारी प्रोत्साहन प्राप्त कर चुके हैं। 2 वर्ष के भीतर हर परिवार के एक युवा को रोजगार देने की योजना पर काम चल रहा है। यही नहीं, उज्ज्वला, सौभाग्य, आयुष्मान भारत, पीएम जनधन, पीएम किसान, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, गरीब कल्याण पैकेज, पीएम स्वनिधि चीनी मिलों का संचालन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास, हर घर शौचालय, गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान जैसे प्रयासों ने देश और प्रदेश में समृद्धि की नई बयार लाई है। कोरोना काल में हजारों छात्रों और 40 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की सकुशल और सम्मान वापसी सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम बूथों के जरिए सभी मतदाताओं तक पहुंच गए और उनका मतदान सुनिश्चित कर ले गए तो हमारी विजय तय है। उन्होंने हर कार्यकर्ता को अगले 1 महीने तक इस काम में देने की अपील की। चेतन चौहान के अधूरे सपनों को करेंगे पूरा। मुख्यमंत्री जी ने स्वर्गीय चेतन चौहान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्षेत्रीय जनता और उनके परिवार और सगे संबंधियों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि स्थानीय जनता का आईना होता है। इस क्षेत्र ने चेतन चौहान जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को अपना प्रतिनिधि चुना था। उनका असामयिक निधन हम सभी के लिए अत्यंत दुखद है। स्वर्गीय चेतन जी जितने अच्छे क्रिकेटर थे उतने ही अच्छे इंसान और नेता भी थे। जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने मुरादाबाद मंडल के विकास का जो सपना देखा था उसे पूरा करने का संकल्प ले। जनता को बताएं अपनी खूबियां। वर्चुअल सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीवन सुचिता और ईमानदारी का प्रतिमान है। यह हमारी पूंजी है। हमें जनता को इतनी अपनी इन खूबियों से परिचित कराते हुए विपक्ष के झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार के क्रियाकलापों से अवगत कराना होगा। समन्वय और संपर्क को मूल मंत्र मानकर जनता के बीच जाएं, सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग करें, हमारी जीत सुनिश्चित है। इससे पहले बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल सैनी ने सभी का स्वागत किया, जबकि जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी ने आभार ज्ञापन किया। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति
पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है।